न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र। पंच वक्तर मंदिर है यहाँ पे। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है महाउत्सव को लेके, जो शिवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है उसको लेके, और कई ऐसे जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी, उनसे बात करेंगे। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो त्यौहार है इसमें रिवाइव किया जा रहा है सभी कल्चरल, जितने भी फोक, चाहे जम्मू का जो डोगरा फोक है उसको एकेडमी साथ साथ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कल्चरल एकेडमी जो है वो अपने प्रिमाइसिस से बाहर निकलकर कोशिश कर रही है कि जहां भी हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। हमें भी यहां मौका मिला है कोलैबोरेशन में, इसमें डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जो है उनका भी सहयोग है, यहां की जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ये इसमें सुरेश जी का एक बड़ा योगदान है, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। तो इसमें हमने कोशिश की कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ प्रेजेंट किया जाए, और जो हमारी नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश हम अक्सर करते रहते हैं। और यहाँ भी वही प्रयास है हमारा कि ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस रही है, यहाँ की रूट्स जो हैं बड़े पुराने हैं, तो ये चीज़ें जब यहाँ मौका मिलता है किसी को बात करने का या कोई हम अपनी परफॉर्मेंस लेते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। और कोशिश हमने की है कि हम 3 दिन इधर लगातार इनके साथ सहयोग बना रहेगा हमारा, हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी हमारा। यहाँ एक और है पिरखू की तरफ से भी मुझे कहा गया, तो वहाँ भी कल्चरल एकेडमी जो है उधर उनको सपोर्ट कर रही है। तो मेरा मतलब कोशिश यह रहता है कि जहाँ से भी मेरे को मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहता हूँ भाई, एक तरफ तो हमारा आर्टिस्ट को मौका मिलेगा, वो इंगेज हो जाता है और वो अपनी स्किल दिखाता है, उसमें कोई यंग आर्टिस्ट हमें मिल सकता है तो उसका मतलब फ्यूचर बन सकता है। और जो जो हमारी ये विरासत है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जितने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे उतने इसमें स्कोप बना रहता है कि नए नए आर्टिस्ट इसके साथ निकल सकते हैं बाहर। और हमें रिमोट एरियाज़ में भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिस्पांस मिली है, तो यहाँ भी हमारा वही कोशिश है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। ये मैंने मुझे यहाँ पता चला कि ये यहाँ किसी सावन के महीने में भी कुछ करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि भजन संध्या का अगर कोई प्रोग्राम होगा तो कल्चरल एकेडमी उसमें भी शिरकत करेगी। आपसे सुरेश जी जानना चाहेंगे कि ये 3 दिन का जो उत्सव है कैसे चलेगा, ये उत्सव उसमें खास क्या रहेगा? उसमें खास करके हमारे जैसे हम अपना जो विरसा है उसी को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारी विधाएं हैं, डोगरी भाग हो गई, कारकें हो गई, जो गीतड़ू हो गए, या नृत्य के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको, उनका लोगों को पता चले, उसके साथ जुड़े, खासकर युवा पीढ़ी जो इन चीज़ों से थोड़ी विमुख हो रही है उनको हम कनेक्ट इसके साथ करवाना चाहते हैं। साथ ही में एक प्लेटफॉर्म मंदिर में क्लासिकल जो सिंगर्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मिला है, प्रोवाइड हुआ है, वो भी काफ़ी जैसे भजन संध्याओं में शामिल होते हैं और लोगों को पता चलता है हमारा कल्चर कितना समृद्ध है और कितना यहाँ पे बोला डाइवर्सिटी है इसकी, यहाँ चाहे कथक हो, भरतनाट्यम हो, सारी ये कलाएँ विधाएँ हैं, इसका प्रदर्शन यहाँ पे हम करते हैं और हम प्रमोट इसको मंदिर के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि प्राचीन काल का ये मंदिर बताया जा रहा है, क्या कुछ हिस्ट्री रहेगी इसकी, तो जो बाकी यहाँ पे क्या ये पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है? देखिए, हमने पिछले साल से हमने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे पहले हमने श्रावण महीने में एक महोत्सव किया था, श्रावण महोत्सव, उसमें लगातार 8 सोमवार हम यहाँ पर भजन संध्या करते रहे। उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया, लोगों ने मतलब इतना सराहा उसको और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर हमने शरद महोत्सव का एक यहाँ आयोजन किया, उसमें भी काफ़ी लोगों ने शिरकत की। और अब हमने ये प्लान किया कि 3 दिन का एक मेगा करके एक फेस्टिवल करते हैं, और इसलिए हमने कल्चरल एकेडमी से भी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से भी हमने सपोर्ट किया, कोलैबोरेट किया कि वो अपने आर्टिस्ट और हमें वो करें, ताकि जो यूथ है हमारा वो इसके साथ अपनी परंपराओं के साथ जो है वो कनेक्ट हो सके। और ये चूंकि सबसे पुराना मंदिर जम्मू में, सबसे प्राचीन मंदिर है अगर देखा जाए तो, बड़ी हिस्टोरिकल इसकी इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पर गुरु नानक यहाँ पर आए हैं, एक उदासी संप्रदाय का डेरे यहाँ पर रहते थे,
पुराने ज़माने में छड़ी मुबारक यहाँ से निकलती थी, तो ये इतना वाइब्रेंट जो है वो स्पेस है। और यहाँ पर ही हमने कहा कि जो चूँकि मंदिर जो है उनके साथ जो संस्कृति है वो पूरी लगभग जुड़ी हुई है, और इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम जो आने वाले कल के लिए जो सोसाइटी है, हमारे यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसको हम कनेक्ट कर सकें अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, ये एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होगी। और इसी के साथ, इसी सोच को लेकर हमने ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया। यानी काफ़ी कोशिशें हो रही हैं हर तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की अगर बात करें, ऐसे त्योहारों पे वो साथ साथ रहते हैं। और जो ये आज का फेस्टिवल है 3 दिवसीय महाशिवरात्रि को लेके, यहाँ पंच वक्तर मंदिर में 3 दिन चलेगा और काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो प्राचीन कलाएँ हैं यहाँ डोगरा फोक की, उनको दोबारा एक तरफ से रिवाइव किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।